फोटोशॉप के अंदर इस तरह का इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। एक देखिए यहाँ पे कलरफुल फ़ोटो वाला इफ़ेक्ट है, ये देख सकते हैं। एक मॉडल देखिए पानी में डूबा हुआ है और यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड है, देख सकते हैं ये कलरफुल है। दूसरा देखिए सेम वही फ़ोटो है, लेकिन ये देखिए ये जो है ये बैकग्राउंड के साथ मैंने मैच किया है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी फ़ोटोशॉप का वर्सन हो किसी में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह का इफ़ेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखें आप, एक नॉर्मल से मैंने फ़ोटो लिया हुआ है जिसका जो लेयर है, जो बैकग्राउंड ये जो यहाँ पे दिख रहा है लॉक है, ये आपको इस तरह का फ़ोटो आपको unsplash.com वहाँ पे मिल जाएगा। अब एक दूसरा हम लोग फ़ोटो लेंगे, चलिए मैं आपको दूसरा एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये मैंने pixels.com से लिया हुआ, इस तरह से देख सकते हैं फ़ोटो। अब इस फ़ोटो को क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग करके ये वाला फ़ोटो पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने और इसे ड्रैग करके यहाँ पर इस फ़ोटो को यहाँ पर लगा देते हैं। ये मैंने फ़ोटो को लगा दिया पहले वाले फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद इसे कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा हम लोग स्केलिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। अब कंट्रोल टी के साथ इस फ़ोटो को थोड़ा सा अच्छी तरह से, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ये यहाँ पे अच्छी तरह से बैकग्राउंड के साथ इसको सेट कर लें ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये फ़ोटो को मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब करना क्या है, लेयर पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लेयर्स है, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये जो मॉडल देखिए पानी में नहाता हुआ मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करना है। और नीचे देखिएगा एक बटन दिया हुआ है ऐड लेयर मास्क का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने ऐड लेयर मास्क पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मेनू बार में जाना है, उसके बाद इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाइएगा, नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है इन्वर्ट का, ये आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका फ़ोटो दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड वाला तस्वीर आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे देखिए ये जो है आपका यहाँ पर जो फोरग्राउंड कलर मैंने वाइट रखा है और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर मैंने ब्लैक रखा है, हो गया। हो जाने के बाद आपको यहाँ से ब्रश टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रश का ये जो कंट्रोल बार पे यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसके डाउन बटन पे क्लिक करना है और नीचे आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 300 वाला थोड़ा सा फेदर नुमा आपको इस तरह से ब्रश दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हैंडल देखिए भी छोटा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिएगा तो ज़्यादा फेड आपको नज़र आएगा, कम से कम 1000 के आसपास। ये देखिए रख दिया मैंने, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और एक बार इसको करते हैं 1000 के आसपास इसका साइज रखते हैं ब्रश का, ये देखिए हाँ ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा ठीक है। हो जाने के बाद अब क्या करना है, ये जो जिस जगह पे ये मॉडल वाला मॉडल था वहाँ पे आपको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग कर देना है, तो पीछे जो मॉडल था वो देखिए इस तरह से आपको दिखने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर इसको और अच्छा करना है, ये देखिए इस तरह से क्लिक कर देना है, जितना आपको अच्छा करना है यहाँ पर आप उसको इसके पीछे वाले के साथ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा मॉडल और थोड़ा नीचे होना चाहिए तो इसको इस तरह से ड्रैग कर दीजिए, और थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ। अगेन ब्रश लेते हैं हम लोग, यहाँ से ब्रश लिया, अब ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पर थोड़ा सा और अच्छा से ये, जिससे कि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, देखने में अच्छा लगे। इस जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये देखिए मिक्स हो गया, अब देखने में देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब ऐसा भी होता होगा कि नहीं थोड़ा सा इस कलर के साथ हमें मैच करना है इस फोटो को, मॉडल को, तो ऊपर वाला लेयर जिस पे आपका मॉडल है उस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ब्लेंडिंग का जो बॉक्स यहाँ पे नॉर्मल दिखाई देता है और जो लेटेस्ट वर्सन में काइन लिखा हुआ यहाँ पर दिखता है, तो इसके डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे जाइएगा, यहाँ पर देखिए ल्यूमिनोसिटी बोल का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ देखिएगा ये इस तरह से, ये जो बैकग्राउंड के साथ इस तरह से फ़ोटो देखिए, इसको जैसा आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से आपको मैच होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसे जेपैक में आप इसे सेव कर दीजिए, तो इस तरह से हम लोग वाटर इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप कलरफुल रखना चाहते हैं तो कलरफुल रखिए, अगर इस तरह से थोड़ा इसके साथ बैकग्राउंड के साथ मिक्स करना है तो इस तरह आप रख सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इस तरह का फ़ोटो क्रिएट करते हैं, वो भी फोटोशॉप 7 के अंदर। लेकिन आप जो तरीका मैंने बताया आप किसी भी वर्सन में कीजिएगा, हो जाएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।